हेलो गाइस, आई एम अली खान और आप देख रहे हैं अली खान ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा पेपल अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए कैसे क्रिएट होता है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आपको सबसे पहले सर्च करना होगा पेपल मलेशिया। पेपल मलेशिया सर्च करने के बाद आपको सबसे टॉप पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपको साइन अप नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन खुल के सामने आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। तो आपको पर्सनल अकाउंट नहीं बनाना, आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है। तो आपको बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको थर्ड नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके अकाउंट में आपको कम पेमेंट तो लेनी नहीं है, पेमेंट आपको ज़्यादा भी लेनी होती है, कम भी लेनी होती है, इस वजह से आपको ज़्यादा वाली पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबसे टॉप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एक मिनट, हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको जिस भी आपको जीमेल पे बनाना हो, आपको जीमेल यहाँ पे टाइप कर देनी है। जीमेल टाइप करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन होगा प्रोसीड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप अपनी जीमेल का पासवर्ड डालें या ना डालें, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे अपना नया न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये आपको सिंपल एक मतलब आप पासवर्ड लिख रहे हैं, एक आपका लेटर ना कैपिटल होना चाहिए, उसके दूसरा आपके सारे स्मॉल हो, भले कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना नेम टाइप करना होगा, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं तो आप लोगों के लिए मतलब एक पेपल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल नेम्स मतलब टाइप कर सकता हूँ, पर आप लोग अपना ओरिजिनल नेम टाइप करिएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, तो आप लोग यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दें। यहाँ पे आपको पाकिस्तान का कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान का कंट्री कोड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे पाकिस्तान में पेपर अभी आया नहीं है, इस वजह से आप लोगों को मतलब मिलता नहीं है नॉर्मली, लेकिन जब मेरी तरीके से आप लोग बनाएंगे आप लोग अपना पेपल अकाउंट, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे अपना नंबर टाइप करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद आप लोगों को अपनी डिस्ट्रिक्ट टाइप कर देनी है। मैं कराची में रहता हूँ, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट सिंध है, तो मैं सिंध ही लिखूँगा। आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी आप लोगों को वो टाइप कर देनी है। उसके बाद आप लोग अपना पोस्टल कोड, अपना मतलब अपना जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं अपना एड्रेस लिखें, मतलब गूगल पे जाके अपना एड्रेस लिखें, उसके आपका जो पोस्टल कोड निकल के आता है आप लोगों को वो टाइप कर देना है। पोस्टल कोड लिखने के बाद आपके सामने सिटी का ऑप्शन है। सिटी जाहिर सी बात है, कराची में रहता हूँ तो कराची लिखूँगा। उसके बाद आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट करना है मलेशिया का। जाहिर सी बात है, हम लोग मलेशिया से बना रहे हैं पेपल अकाउंट, तो हमारे को मलेशिया का ही कोई सा भी स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप लोगों को करेंसी सेलेक्ट करनी है US डॉलर। फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को कोई सा भी एक बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है। ये वेबसाइट ऑप्शनल है, और जो चीज़ ऑप्शनल हो वो छोड़ दें आप लोग। उसके बाद आप लोगों को मतलब हम लोग मलेशिया से बना रहे हैं, तो वो वाली कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है।
यहाँ पे आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में कोई से भी कीवर्ड्स टाइप कर देने, जैसे मैं एक सिंपल सा कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ। ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये ऑप्शनल है, आप लोग ये भी छोड़ दें। फिर आप लोगों को प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। उसके बाद आप लोगों को कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको नेशनल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नेशनल आईडी डालनी है, अपनी डालने। अगर आपके पास नहीं है नेशनल आईडी कार्ड तो आप अपने पेरेंट्स की डाल दें, बहन भाइयों की डाल दें, लेकिन बाहर वालों की मत डालिएगा, वरना पेमेंट आने में प्रॉब्लम होती है। फिर आपको एड्रेस टाइप करना है। टाइप करने के बाद सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको कंफर्म करना है। ये देखें, आपका अकाउंट बनके सामने आ गया। उसके बाद आपको मनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मनी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक यूएसडी डॉलर करेंसी और एक मलेशियन करेंसी। मलेशियन करेंसी को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए क्लोज दी करेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लोज करेंसी के ऊपर क्लिक करना है, फिर डन के ऊपर क्लिक करना है। यहां से आप अपने बैंक को लिंक कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बैंक लिंक नहीं होता, मलेशियन बैंक होगा तो लिंक होगा। और यहां से आप लोग अपना वीजा कार्ड लिंक कर सकते हैं, लेकिन वीजा कार्ड पाकिस्तानी होगा तो लिंक नहीं होता, अगर बाहर का होगा, मलेशियन का होगा तो हो सकता है। और यहाँ से पैसे किस तरह से निकलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।